नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से धर्म कर्म की वीडियो में स्वागत करती हूं। आज के धार्मिक वीडियो में हम बात करेंगे शिवलिंग की। जी हां, शिव जी के कौन से अंग को शिवलिंग कहते हैं, इस पर काफी विवाद रहा है। चलिए, आपको कुछ सवाल हैं जो लोगों के मन में अक्सर उठते हैं, जैसे कि शिवलिंग शिव जी का कौन सा अंग है, शिवलिंग को शिवलिंग क्यों कहा जाता है, क्या महिलाएं शिवलिंग को छू सकती हैं, महादेव के कितने रूप अवतार हैं, शिवलिंग शिव जी का कौन सा अंग है। तमाम तरीके की जानकारी मैं आपके मन में जो सवाल रहते हैं, उन सवालों की जानकारी मैं आज इस वीडियो में दूंगी। दोस्तों, शिवलिंग की पूजा करने का भी विधान होता है। जिस स्थान पर शिवलिंग स्थापित होता है उससे पूर्व दिशा की ओर मुख करके भूल कर भी नहीं बैठना चाहिए और उत्तर दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इस उत्तर दिशा में भगवान शिव जी का बायां अंग होता है और शक्ति रूपा देवी उमा पार्वती जी का वो स्थान होता है। दोस्तों, शिवलिंग को शिवलिंग क्यों कहा जाता है, इसे सुनेरो केलिंग रूप में इन्हें समस्त ब्रह्मांड में पूजा जाता है, क्योंकि वो समस्त जगत के मूल कारण माने गए हैं। इसीलिए शिव मूर्ति और लिंग दोनों रूप में पूजे जाते हैं। शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। शिव के वास्तविक रूप से अवगत होकर जागृत शिवलिंग का अर्थ है प्रमाण। इसे सुनेर केलिंग रूप में समस्त ब्रह्मांड का पूजन हो जाता है, क्योंकि वे ही समस्त जगत के मूल कारण माने जाते हैं। इसीलिए शिव मूर्ति और लिंग दोनों रूपों में पूजे जाते हैं। शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और जिसका पूरा अर्थ होता है प्रमाण। दोस्तों, शिवलिंग की कहानी क्या है। दोस्तों, इसे सुनेर के शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और पर ब्रह्मा कहा गया है। इस पुराण के अनुसार भगवान शिव ही पूर्ण पुरुष और निराकार ब्रह्म है। इसी के प्रतीकात्मक रूप में शिव के लिंग की पूजा की जाती है। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य लिंग ज्योति प्रकट किया था। अब आती है बात कि महिलाएं इसे छू सकती है कि नहीं। तो सावन माह में भगवान शिव की पूजा और शिवलिंग का जलाभिषेक करना उत्तम होता है, लेकिन लड़कियों और महिलाओं को कभी भी शिवलिंग स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं महादेव की कितने रूप अवतार हैं। दोस्तों, इसे सुनेर को कुद्रावतार भगवान शिव यानी रुद्र के अवतारों को कहा जाता है। शास्त्र के अनुसार महादेव के कुल 27 अवतार हुए थे, उनमें भी 10 प्रमुख है। रुद्र कितने प्रकार के होते हैं तो हम आपको बता दें, इसे सुनेरों के भोलेनाथ को अजन्मा और अविनाशी कहा जाता है। भगवान शिव सृष्टि के संहारक हैं, उनके संहारक स्वरूप को रुद्र कहा गया है। रुद्र के 11 रूप की कथा वेदों पुराणों में वर्णित की गई है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि इतने समय से जो आप लोगों के मन में काफी सारे सवाल हमेशा उठते रहते थे शिवलिंग को लेकर, शिव जी की पूजा को लेकर, वो आज काफी हद तक क्लियर हुए होंगे। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये खास जानकारियां अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।